हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले अपने लाइट अप बरमूडा इवेंट के बारे में, जो कि गाइज आप लोगों को दिवाली के टाइम पर देखने को मिल जाता है। तो भैया, अपना इस बार का जो दिवाली इवेंट आने वाला है ना, उसके अंदर से आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन से रिवर्स फ्री में देखने को मिलने वाले हैं, तो सारे फ्री के रिवर्स का रिव्यू मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ ही में गाइज हम लोग बात करेंगे कुछ और इवेंट्स के बारे में, कुछ और अपडेट के बारे में, जो कि आप लोगों को बहुत जल्द अपने इंडिया सर्वर के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। सो भैया, वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होगी, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेना। एंड गाइज, वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखते हो तो साथ ही में एक मेरा छोटा सा काम कर देना गाइज, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। एंड यार, चैनल पर कोई भी मेरा भाई पहली बार आया है ना, न्यू आया है ना, तो प्लीज यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई आपके लिए हर रोज ऐसे कंटेंट बनाता रहता है, मतलब फ्री फायर के जो भी न्यू इवेंट आते हैं, जो भी न्यू अपडेट आती है, उसकी फुल डिटेल आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। सो अभी तक जिन भी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए गाइज, आप लोगों का बिल्कुल ही टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगेन। सो यार, आप लोगों ने एक खबर तो सुनी होगी, मुझे तो ये खबर तो मतलब कल शाम को ही मिल चुकी थी, लेकिन गाइज मुझे लगा था कि फेक है। तो यार मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी आ रहा है कि भाई हमारे जो स्काई भाई है, स्काई लॉर्ड भाई, आप में से काफ़ी सारे बंदे जानते होंगे, भाई पॉपुलर क्रिएटर है, तो भैया उनका मतलब अभी जो क्या बोलूँ मैं, मतलब डेथ हो चुका है भाई। मतलब वो ट्रक के साथ उनका जो बाइक एक्सीडेंट हुआ है, तो उस वजह से वो मतलब उनका जो क्या बोलूँ मैं भाई, मतलब ऐसी न्यूज़ भाई जब भी देखने को मिलती है ना, तो भाई मतलब कुछ होता है कि भाई ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं यार, मतलब सब कुछ छोड़ के जाना ही है यार, एक दिन सब कुछ छोड़ के चले जाना है। तो यार मतलब अभी आप लोग प्रे करो, मैंने सुबह भी मतलब आप लोगों को बोला था, सुबह की वीडियो जब भी डाली थी तो मैंने मतलब कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि भाई हमारे स्काई भाई मेरे बीच नहीं रहे अभी। तो यार मतलब क्या मैं बोलूँ यार, मुझे कल रात को पता था, लेकिन गाइस मुझे लगा था कि फेक वीडियो है, मतलब फेक मतलब रूमर फैला रहे सभी लोग, लेकिन गाइज नहीं है, सच बात है। काफ़ी सारी न्यूज़ में भी अभी आ चुका है कि भाई जो एक यूट्यूबर था उनकी मतलब डेथ हो चुकी है अब, तो भाई वो अपने स्काई भाई थे। तो यार भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी आप सभी लोग प्रे करो उनके लिए। मध्य प्रदेश टूरिज्म राइडिंग टूर पर निकले बाइकर ग्रुप के एक साथी बाइकर की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना सोमवार दोपहर करीब 2 बजे नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर सुहागपुर में हुई। मृतक बाइकर्स अभ्युदय मिश्रा इंदौर के रहने वाले थे। टूरिज्म टूर राइडर्स इन द वाइल्ड का 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पर समापन होना था। बाइकर्स ग्रुप 21 सितंबर को खजुराहो से टूरिज्म टूर राइडर्स इन द वाइल्ड पर निकला था। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। तो यार क्या बोलूं मैं यार, मतलब चलो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पर गाइज हम लोग बात कर रहे थे हमारे दिवाली इवेंट के बारे में। तो यार अपना जो दिवाली इवेंट है ना, उसमें आप लोगों को इस बार काफ़ी सारे फ्री के रिवर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो पहले मैं भैया आप लोगों को सारे रिवर्स का जो रिव्यू है वो करा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को एक बंडल देखने को मिल जाता है, इसका नाम रहेगा रोरिंग नाइट बंडल। तो भैया यहाँ पर इसके चांसेस निकल के आ रहे हैं कि ये वाला बंडल है वो आप लोगों को फ्री में देखने को मिल सकता है। अब गाइज ये वाला बंडल भी आप लोगों को फ्री में देखने को मिल सकता है, या फिर गाइज आप लोगों को दूसरा वाला जो बंडल देख सकते हो यहाँ पर, इसका नाम है भैया डार्क डिस्ट्रॉयर बंडल। तो भैया ये वाला बंडल भी आप लोगों को फ्री में मिल सकता है। अब गाइज पहले वाला जो रोरिंग नाइट बंडल था ना, उसके मुझे चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि गाइज वो वाला बंडल आप लोग मेल एंड फीमेल दोनों में पहन सकते हो, तो भैया उसके कम चांसेस है। लेकिन गाइज ये जो डार्क डिस्ट्रॉयर बंडल है ना, जो क्रिस के टाइप का लग रहा है, इसके गाइज मुझे हाई चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं कि ये वाला बंडल आप लोगों को फ्री में मिल सकता है। बाकी गाइज कुछ भी हो सकता है, पहले वाला बंडल जो रोरिंग नाइट बंडल है वो भी आप लोगों को फ्री में मिल सकता है, या फिर ये जो अपना क्रिस वाला बंडल है ये भी आप लोगों को फ्री में मिल सकता है। तो दोनों में से कोई सा एक बंडल आप लोगों को फ्री में मिलेगा, एक बंडल को लेने के लिए आप लोगों को डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। देन गाइज हम लोग बात करें नेक्स्ट रिवर्ड की, तो आप लोगों को एक स्कार्फ का स्किन देखने को मिल जाएगा, जो मास्क होता है ना उसका एक स्किन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आप लोगों को शेर का थोड़ा बहुत मतलब डिजाइन है वो देखने को मिलेगा। तो ये स्कार्फ की स्किन आप लोगों को किसी टॉप ऑफ इवेंट के अंदर या फिर आप लोगों को किसी वेब इवेंट के अंदर नजर आ जाएगी। साथ ही में बात करें नेक्स्ट रिवर्ड की, तो आप लोगों को यहाँ पर एक मॉन्स्टर ट्रक का स्किन देखने को मिलने वाला है, तो उसका भी रिव्यू आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके गाइज मुझे काफी हाई चांसेस लग रहे हैं कि आप लोगों को फ्री में मिल सकता है। बाकी गाइज लुक वाइज आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। देन गाइज आते हैं अपने अवतार बैनर, जो कि आप लोगों को हर बार फ्री में मिल जाते हैं, तो अवतार बैनर भी आप सभी लोग यहां पर देख सकते हो, अवतार बैनर भी आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलेंगे। साथ ही में गाइस हम लोग बात करें नेक्स्ट रिवर्ड की, तो आप लोगों को यहां पर एक बैकपैक देखने को मिल जाता है, जिसका लुक गाइस काफी ज्यादा डेंजर है, आप सभी लोग देख सकते हो, लायन का बैकपैक आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो भैया पर्सनली बताओ तो मुझे तो ये वाला बैकपैक काफी ज्यादा पसंद आया,
तो भैया बाकी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद में हमारा आता है पैराशूट, तो ऑब्वियसली बात है पैराशूट का स्किन तो आप लोगों को फ्री में मिलेगा। देन गाइस आता है अपना एक लूट बॉक्स, तो उसका भी लुक आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को एक लायन देखने को मिलेगा एंड उसके ऊपर में आप लोगों को कुछ देखने को मिल जाता है, मतलब कुछ पेटी टाइप का है, पेटी टाइप तो नहीं बोल सकते यार, मतलब कुछ है लूट बॉक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका भी भैया यहाँ पर लिख्स निकल रहा है कि ये वाला लूट बॉक्स आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलेगा। साथ ही में गाइस आप लोगों को यहाँ पर एक न्यू फिस्ट का स्किन भी देखने को मिलने वाला है, तो उसका भी लुक आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोगों का लायन का जो पंजा होता है ना, उसका फिस्ट स्किन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, तो ये आप लोगों को किसी डायमंड खर्च करने वाले इवेंट में देखने को मिलेगा। साथ ही में गाइस हमारा एक ग्लूवल का स्किन भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो ग्लूवल का स्किन भी काफी ओपी, आप सभी लोग यहाँ पर इसका लुक देख सकते हो। आप लोगों को लायन देखने को मिल जाता है, मतलब जो लायन होता है ना वो कैसे मतलब थर्राता है, तो वैसा ग्लूवल का स्किन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो ये भी आप लोगों को टॉप अप इवेंट में या फिर हो सकता है कि आप लोगों को किसी वेब इवेंट के अंदर नजर आ जाएगा। साथ ही में गाइस हमारा एक इमोट आता है, तो इमोट का लुक भी आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोगों का जो बंदा होगा वो मतलब ऐसे मतलब मोमबत्ती लेकर ऐसे हाथ में करता है, तो गाइस इमोट तो आप लोगों को हर बार दिवाली के टाइम पर फ्री में मिलता है, तो भैया इमोट के काफी हाई चांसेस है कि आप लोगों को यहाँ पर इस बार भी अपना जो ये वाला इमोट है वो बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलेगा। बाकी रिव्यू आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। देन आता है गाइस अपना एक ग्रेनेड का स्किन, तो उसका भी लुक आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ग्रेनेड वगैरह जो होती है आइटम्स होती है वो आप लोगों को हर बार इवेंट के अंदर फ्री में मिलती है, तो इस बार भी आप लोगों को ये वाला ग्रेनेड का स्किन है वो फ्री में भी मिल सकता है। साथ ही में गाइस आती है लास्ट में हमारी एक नाइफ की स्किन, जो चाकू होता है ना उसकी स्किन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो ये इतनी कुछ ओपी वाली नहीं है, इसके ऊपर मतलब आप लोगों को कुछ एनिमेशन वगैरह भी देखने को नहीं मिलता, तो इसका भी गाइस हाई चांसेस है कि आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलेगा। सो भैया ये सारी आइटम्स थी जो कि आप लोगों को दिवाली के टाइम पर बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलेगी। इनमें से भैया जो 70% आइटम है वो आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिलेगी, बाकी की जो 30% आइटम्स है उनको परचेस करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। तो आप लोगों को सारे रिवर्स में से कौन से आइटम्स है वो सबसे बेस्ट लगे आप सब लोग मुझे कमेंट में बताना। उसके अलावा गाइस आप लोगों को जो 24 तारीख होगी ना, मतलब जो 24 अक्टूबर होगा ना, तब आप लोग फ्री फायर को ओपन करोगे, लॉग इन करोगे, तो आप लोगों को एक फ्री का मैजिक क्यूब देखने को मिलेगा। देन गाइस आप लोगों को यहाँ पर और भी काफी सारे रिवर्स है वो देखने को मिलेंगे, मतलब रिवर्स नहीं इवेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दिवाली विश इवेंट हो गया, दिवाली लूडो इवेंट हो गया जिसके अंदर से आप लोगों को बंडल वगैरह मिलता है। देन गाइस आप लोगों को एक दिवाली पास इवेंट देखने को मिलता है। उसके अलावा में गाइस आप लोगों को और भी काफी सारे रिवर्स है वो देखने को मिलते हैं, गिफ्ट स्टोर पर डिस्काउंट आता है। तो भैया और भी ऐसे काफी सारे इवेंट्स हो गए जो कि आप लोगों को दिवाली के टाइम पर देखने को मिलेंगे। बाकी भैया आप लोगों को इनमें से रिवर्स कौन सा अच्छा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अभी गाइज हम लोग बात कर लेते कुछ और अपडेट के बारे में, तो गाइज अपना जो नेक्स्ट मंथ का प्री ऑर्डर रिवर्ड होगा उसमें आप लोगों को यहाँ पर एक बैकपैक का स्किन देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी लोग नेक्स्ट मंथ का जो प्री ऑर्डर पोस्टर है वो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, बैनर निकल के आ चुका है। ये जो बैनर है वो आप लोगों को 28 सितंबर के दिन अपने गेम में नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोगों को एक बैकपैक का स्किन देखने को मिल जाता है। तो भैया बैकपैक का स्किन का रिव्यू आप सभी लोग यहां पर देख सकते हो, ट्रिपल स्वॉर्ड बैकपैक नाम से आप लोगों को एक बैकपैक है वो देखने को मिलेगा। तो रिव्यू आप सभी लोग यहां पर देख सकते हो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल पर आप लोगों को इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो ये अपना नेक्स्ट मंथ का प्री ऑर्डर रिवर्ड रहने वाला है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। अक्टूबर मंथ का जो प्री ऑर्डर रिवर्ड होगा वो आप लोगों को बैकपैक देखने को मिलेगा। साथ ही में गाइस हम लोग बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो आप लोगों को काफी समय हो गया हमारे दो बंडल का लीक्स निकला था, मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर बंडल नाम से आप लोगों को बंडल है वो देखने को मिल जाते हैं। तो भैया ये बंडल आप लोगों को अभी तक हमारे इंडियन सर्वर में किसी भी इवेंट में नहीं आया है, तो भैया यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन बताओ तो आप लोगों को बहुत जल्द ये वाला बंडल है वो देखने को मिल जाएंगे, या तो गाइस आप लोगों को मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफी सारे सर्वर में ये वाले दो बंडल है वो आप लोगों को मिस्ट्री शॉप में अवेलेबल कराए गए थे। तो भैया अपने इंडिया सर्वर के भी यहाँ पर चांसेस है कि आप लोगों को मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को नहीं मिलते तो आप लोगों को किसी अदर वेब इवेंट के अंदर ये वाले दोनों बंडल है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही में भैया अपना जो नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल है वो भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, तो पोस्टर आप सभी लोग पहले देख सकते हो, इस टाइप का आप लोगों को बंडल है वो देखने को मिलेगा अपना नेक्स्ट डायमंड रॉयल का। अब गाइस इसके रिव्यू की बात करें तो रिव्यू आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिलेगा नाइट स्लायर टेडी बंडल। तो भैया पर्सनली बताओ तो मुझे तो काफी ये वाला बंडल है वो काफी क्यूट लगा, काफी पसंद आया। बाकी आप लोगों को ये वाला बंडल है वो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसका गाइस एक फीमेल वर्जन भी है वो भी आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसका मतलब जो मेल बंडल है ना उसका फीमेल बंडल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब वो तो ऑब्वियसली बात है जो डायमंड रॉयल के बंडल होते हैं वो आप लोगों को कपल बंडल ही देखने को मिलते हैं। तो भैया अगर नेक्स्ट बंडल आप लोगों
को ये मेल का बंडल देखने को मिल जाता है। तो फीमेल का बंडल आप लोगों को किसी वेब इवेंट के अंदर या फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट वाला जो डायमंड रॉयल होगा उसके अंदर आप लोगों को फीमेल बंडल देखने को मिल सकता है। तो भैया आप लोगों को नेक्स्ट डायमंड रॉयल है वो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर्सनली गाइस मुझे तो काफी अच्छा लगा, अपना जो अभी का डायमंड रॉयल फीमेल का बंडल है उससे तो भैया काफी लाख गुना बेहतर है। तो भैया मुझे तो काफी अच्छा लगा। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो की अपडेट। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाक से गाइस वीडियो को लाइक कर देना। एंड यार चैनल पर कोई भी न्यू आया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना। आप लोगों को हर रोज मैं ऐसी अपडेट देता रहता हूँ। फ्री फायर में जो भी न्यू इवेंट आते हैं, जो भी न्यू अपडेट आती है उसकी सबसे पहले जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड साथ ही साथ में बाजू वाला जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि गाइस मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन हो आप लोग मिस ना कर पाओ। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।